खानजादी ने बताया कौन होने वाले हैं बिग बॉस सीजन 17 के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स। ईशा मालविया के सपोर्ट में कही ये बात वाले हफ्ते शो से एलिमिनेट हुई खानजादी, जो कि घर के बाहर जाने के बाद बिग बॉस से रिलेटेड कई बड़े खुलासे करती हुई नजर आई है। कई सारे इंटरव्यूज खानजादी ने दिए हैं, जिनमें वो अपने और अभिषेक के रिश्ते पर खुलकर बातचीत करती हुई नजर आई। साथ ही साथ खानजादी ने ये भी बताया है कि वो किन्हें टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के तौर पर शो में देखती हैं। साथ ही साथ ईशा इतनी कम एज में कितने ज्यादा मैच्योर डिसीजंस लेती है, इन बातों को लेकर खानजादी ने ईशा की तारीफ की है। चलिए आपको बताते हैं पूरी अपडेट के बारे में। जी हाँ, इंटरव्यू में खानजादी कहती हुई नजर आई कि उन्हें इस बात का काफी ज्यादा दुख है कि उनके फैंस की एक्सपेक्टेशंस उनसे काफी ज्यादा हाई थी, लेकिन खानजादी अपने फैंस की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाई क्योंकि घर के अंदर वो बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रही थी। उनके माइंड में काफी कुछ चल रहा था, ये बात खानजादी कहती हुई नजर आई। साथ ही साथ जब खानजादी से सवाल किया गया कि वो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स घर के अंदर किन्हें देखती है, कौन उनके हिसाब से है टॉप 5 में, इस पर खानजादी ने बताया कि वो मुनव्वर, अभिषेक, चिंटू, अंकिता जी और मन्नारा चोपड़ा को घर के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के तौर पर देखती है। साथ ही साथ खानजादी ने कहा, समर्थ अभिषेक को पेल रहा है, अभिषेक समर्थ को पेल रहा है, इनका गेम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जी हाँ, यहाँ पर खानजादी ने अभिषेक और समर्थ के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसे काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग बताया है। साथ ही साथ ईशा की तारीफ करती हुई भी खानजादी नजर आई। खानजादी ने कहा कि ईशा जो है वो बहुत ही ज्यादा भी यंग है, लेकिन उनके जो डिसीजंस होते हैं वो काफी ज्यादा मैच्योर होते हैं। वेल, आपका खानजादी की कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।